इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 एथिक्स और फिलॉसफी से रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी फॉर पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन, जो कि यूजफुल होंगे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, जैसे एचएसएस हिंदी 2023 के लिए, यूपीएससी में भी ट्रांसलेशन के लिए एक पैराग्राफ पूछा जाता है। सो ये सारे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मोर ओवर ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अगर हम प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज देखें तो उनकी डेफिनेशंस बहुत लंबी होती है, बहुत कंसेप्चुअल है, पर हमें यहाँ पे जनरल हिंदी के अकॉर्डिंगली उनका सिर्फ मीनिंग है कि क्या होगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एथिक्स। तो एथिक्स को नैतिकता बोलते हैं, मतलब अगर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा तो आप एथिक्स को नैतिकता कह सकते हो। मोर ओवर मोरालिटी, इसे भी नैतिकता कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बहुत डीप में जाएं सब्जेक्ट के अंदर तो इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है कुछ, पर हम ट्रांसलेशन के पर्पस के लिए इनको नैतिकता लिखेंगे। देन वैल्यू, वैल्यू मतलब कि मूल्य। वर्च्यू मतलब कि गुण। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होगी कर्तव्य। कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। राइटियसनेस, राइटियसनेस का मतलब धर्म। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है अखंडता। जस्टिस, न्याय। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। फ्रीडम, आजादी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, और ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी, ईमानदारी। रिस्पेक्ट का मतलब है सम्मान। कंपैशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपैशन। कंपैशन का मतलब है सहानुभूति। हमने यहाँ पे एम्पैथी और कंपैशन दोनों के लिए सहानुभूति वर्ड यूज करेंगे, सहानुभूति, पर इन दोनों में डिफरेंस होते हैं, राइट। फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब होगा न्यायिकता, न्यायिकता मतलब सब चीजें फेयर है, अनफेयर कुछ भी नहीं है। ट्रस्टवर्दीनेस मतलब विश्वसनीयता, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होगी विश्वसनीयता। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होगा सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब सहने की शक्ति। देन वी हैव विजडम, तो इसे बोलते हैं हम ज्ञान। रैशनैलिटी का मतलब होता है तार्किकता, तार्किकता तर्क से उत्तर देना, रैशनल माइंड। एथिकल डायलेमा, सो एथिकल वर्ड जहां पे भी होगा हम वहां पे यूज करेंगे नैतिक। तो एथिकल डायलेमा, डायलेमा मतलब कि द्वंद, तो द्वंद की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होगी। एथिकल प्रिंसिपल्स, तो मतलब कि नैतिक सिद्धांत, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। एथिकल कंडक्ट, कंडक्ट मतलब कि आचरण, नैतिक आचरण। एथिकल फिलॉसफी मतलब कि दैनिक दर्शन, नैतिक दर्शन। गुडनेस, गुडनेस मतलब कि भलाई, और इविल का मतलब बुराई। देन वी हैव कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, तो इसे बोलते हैं परिणामवाद, परिणामवाद। इज्म जहां पे भी होगा तो वहां पे वाद होगा, तो ये कॉन्सिक्वेंट होना मतलब परिणामवाद। डियोन्टोलॉजी, डियोन्टोलॉजी का मतलब कर्म नीतिवाद, कर्म नीतिवाद। यूटिलिटेरियनिज्म, सो इसके लिए वर्ड होगा उपयोगितावाद, उपयोगितावाद। कैंटियन एथिक्स, तो मतलब कांतीय नैतिकता, स्पेलिंग इसके लिए होगी कांतीय नैतिकता। वर्चू एथिक्स मतलब कि गुण नैतिकता, गुण नैतिकता। देन वी हैव गोल्डन रूल, सो गोल्डन रूल के लिए हम लिख सकते हैं महत्वपूर्ण नियम, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रूजिम, अल्ट्रूजिम के लिए वर्ड होगा प्रोपकार, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश के लिए भी। देन हेडोनिज्म, हेडोनिज्म का मतलब है खुशी बाद, जो पर्सन सिर्फ खुशी देखता हो। इगोइज्म, इगोइज्म के लिए वर्ड होगा अहंकारवाद। और रिलेटिविज्म के लिए वर्ड होगा साक्षेपवाद, ये इंपॉर्टेंट है साक्षेपवाद। देन वी हैव मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब कि नैतिक दायित्व, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व। एथिकल कोड मतलब कि नैतिक संहिता, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं वैसे कोड का मतलब संहिता। मॉरल रीजनिंग नैतिक तर्क, रीजनिंग का मतलब तर्क। वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब एक धार्मिक पर्सन, गुणी पर्सन। नेक्स्ट है एथिकल लीडरशिप मतलब नैतिक नेतृत्व, तो लीडरशिप का होगा नेतृत्व, एथिकल का मतलब नैतिक।
देन एथिकल स्टैंडर्ड्स, तो स्टैंडर्ड्स का हिंदी मीनिंग क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि स्टैंडर्ड को आप हिंदी में कैसे बोलोगे। सो स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं मानक, नैतिक मानक। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब है नैतिक विकास, नैतिक विकास। एथिकल डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि नैतिक रूप से निर्णय लेना, और एथिकल जजमेंट का मतलब है कि नैतिक निर्णय, और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है नैतिक जिम्मेदारी। मॉरल करेज का मतलब है नैतिक साहस, और एथिकल अवेयरनेस का मतलब है, अवेयरनेस मीन जागरूकता, तो एथिकल अवेयरनेस मतलब नैतिक जागरूकता। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं एथिक्स और फिलोसफी से रिलेटेड, काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं जिनके हमें हिंदी मीनिंग आने चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि अगर इस टॉपिक के ऊपर ट्रांसलेशन आ जाती है तो ऐसे वर्ड्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और अगर इनमें से हमें किसी भी वर्ड का मतलब ना पता हुआ तो वहाँ पे पूरे का पूरा ट्रांसलेशन का मतलब कुछ डिफरेंट निकल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स।